हेलो दोस्तों, मैं हूँ मंदा, रेसिपी सिखाती हूँ। मंदाज डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मुंबई का फेमस वड़ा पाव। यह वड़ा पाव मुंबई में जगह जगह हर जगह मिलता है और कम रेट में भी मिलता है। रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस रेसिपी के बारे में हम बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं, जिससे रेसिपी और भी अच्छी बनती है। तो लास्ट तक यह रेसिपी जरूर देखिए ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलिए सीखते हैं कि मुंबई का फेमस वड़ा पाव बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। 5 उबले हुए आलू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच सौंफ, 10-15 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच धनिया, स्वादानुसार नमक, 10-20 कड़ी पत्ते के पत्ते और 6-7 हरी मिर्च। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। एक मिक्सर जार लेना है। मिक्सर जार में 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ डालकर इसको हमें दरदरा पीसना है। यह देखिए हमारा पीस के हो चुका है। हमें ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब हम इसे एक कटोरी में निकालेंगे। ठेले वाले यही सीक्रेट मसाला डालते हैं और उसी मिक्सर जार में हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक करके डालना है, 10-15 लहसुन की कलियां, 6-7 हरी मिर्च हाथों से बारीक करके डालना है। अब हम इसे पीसेंगे। यह देखिए हमारा पीस के हो चुका है। इसी तरह आपको दरदरा ही पीसना है। हमने 1/2 किलो आलू लिया है। अब हम आलू को क्रश करेंगे। बाउल में 5 आलू डालकर आलू को क्रश करना है। आलू को हमें ज़्यादा प्लेन भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इसी तरह आपको आलू को क्रश करना है। अब हम इसे तड़का देंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें 10-20 कड़ी पत्ते के पत्ते डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया सोप का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1/2 चम्मच हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें क्रश किए हुए आलू डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मसालों में आलू को मिक्स करना है। यह देखिए बटाटे वड़े का मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। तब तक हम बेसन का बैटर बनाएंगे। एक बाउल लेना है और बाउल में 2 कटोरी बेसन का आटा लेना है। बेसन के आटे में स्वादानुसार नमक, 1/4 हल्दी और 1/4 अजवाइन डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का बैटर बनाएंगे। हमें एकदम से पानी नहीं डालना है सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बैटर बनाना है। आप एकदम से पानी डालोगे तो बैटर पतला होगा, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बैटर बनाना है। बेसन का बैटर बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह आपको बैटर बनाना है। इस बैटर को हमें 5 मिनट के लिए ढककर रखना है। अब हम आलू के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसी तरह आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। हाथों में थोड़ा मिश्रण लेके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। आप एक हाथ से भी बॉल बना सकते हो और 2 हाथ से भी बॉल बना सकते हो। इसी तरह आपको सभी आलू के मिश्रण के बॉल्स बनाना है।
सभी आलू के मिश्रण के बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आपको बनाना है। पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से तेल पकड़ के रखता है और बेकिंग पाउडर डालने से तेल पकड़ के नहीं रखता है, इसलिए हमें बेकिंग पाउडर ही डालना है। बेकिंग पाउडर डालने से बैटर को स्पंज आता है, इसलिए हमने बेकिंग पाउडर डाला है। बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम तेल गरम करेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में बटाटा वड़ा डूबने तक तेल डालना है। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें से एक चम्मच तेल निकाल के बैटर में डालेंगे और मिक्स करेंगे। पूरे बैटर में तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस बैटर में एक एक आलू के बॉल्स डालकर कोटिंग करेंगे और तलेंगे। इसी तरह आपको आलू के बॉल्स को बेसन के बैटर से कोटिंग करके तेल में डालकर तलना है। एक साइड हो चुका है। अब हम इसे पलटाएंगे। बटाटे वड़े को ज़्यादा नहीं तलना है, हल्का ब्राउन ही रखना है और मीडियम गैस पर ही आपको बटाटा वड़ा तलना है। बटाटे वड़े तल के हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे। इसी तरह आपको बटाटे वड़े तलना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप अगर हाथों से नहीं डालना चाहते हो तो चम्मच से भी डाल सकते हो। इसी तरह आपको सभी बटाटे वड़े तलना है और एक साइड होने के बाद में इसे पलटाना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे हल्का ब्राउन ही रखना है। अगर आपको इमली की चटनी, धनिया पत्ते की चटनी, प्याज की चटनी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चटनी का वीडियो देखें। बटाटे वड़े तल के हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे। बटाटा वड़ा बनके तैयार हो चुका है। अब हम पाव सेकेंगे। गैस ऑन करना है और पैन रखना है और पैन में एक चम्मच घी डालना है। आप बटर भी डाल सकते हो और तेल डाल के भी पाव सेक सकते हो। अब हम पाव को सेकेंगे। पाव लेंगे और उसके दो भाग करेंगे। हमें पूरे दो भाग नहीं करना है, इसी तरह आपको पाव के दो भाग करके सेकना है। अगर आपके घर में पैन ना हो तो लोहे के तवे पर भी पाव सेक सकते हो। यह देखिए, पाव सेक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको चटनी लगाएंगे। एक साइड में मिर्ची की चटनी लगाना है और एक साइड में टमाटर सॉस लगाना है। मिर्ची की चटनी और टमाटर सॉस लगा के हो चुका है। अब हम इसमें बटाटा वड़ा रखेंगे। बटाटा वड़ा बीचों बीच रख के इसे बंद करना है। इसी तरह आपको एक चम्मच घी डाल के पाव को बीच में से फाड़ के सेकना है। अगर आपको इमली की चटनी, धनिया पत्ते की चटनी, प्याज की चटनी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चटनी का वीडियो देखें। मिर्ची की चटनी टमाटर सॉस लगा के, अगर आपको मिर्ची की चटनी पसंद ना हो तो धनिया पत्ते की भी चटनी लगा सकते हो। बटाटा वड़ा रख के इसे बंद करना है। इसी तरह आपको सभी वड़ा पाव बनाना है। मुंबई का फेमस वड़ा पाव बन के तैयार हो चुका है। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो और कमेंट में बताओ कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मंदार डायरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल पर करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी के वीडियो आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी रिलीज हो तो सबसे पहले आपको मिले।